मानव समाचार मानवता के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस अजीम शान मीटिंग में आए हुए तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, स्टेज पे बैठे हुए तमाम पदाधिकारी, मैं समझता हूँ कि गुरुवार वार्ड के अंदर दूसरी या तीसरी ढंग बात करने का मौका मिला। इससे पहले मैं जब कांग्रेस में था तो सैलानी चौक के जलसे में तकरीर किया करता था सेक्रेटरी साहब के साथ। आज मालेगांव शहर के अंदर ये जो इलेक्शन होने जा रहा है 2024 के अंदर असेंबली का, मैं एकदम संजीदगी से आप लोगों को बताऊंगा और आपको संजीदगी से सुनना है। 15 मिनट का वक्त है मेरे पास, 15 मिनट के अंदर मैं आपको जो बात बताऊंगा, तो मैं समझता हूं कि शायद अगर मैं कोई बात गलत करूंगा तो उसके सवाल का जवाब भी मेरे से जलसा खत्म होने के बाद बोलना कि तुमने ये बात गलत बोली। आज मालेगांव शहर के अंदर गुज़िश्ता 5 साल से लेकर 3 महीना कंप्लीट रहेगा इलेक्शन के लिए। खैर, महाराष्ट्र सरकार ने 1 महीना बढ़ाने की कोशिश की, हो सकता है नवंबर एंड के अंदर दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो महाराष्ट्र असेंबली की। यह जो होने वाला इलेक्शन है, आज तक के मैंने मेरे बचपन से यहां पर देखा कि मालेगांव शहर की आवाम ने जो इलेक्शन के अंदर ओढ़ दी वो किसको गिराना है यह तय करके ओढ़ दिया आज तक के मालेगांव शहर की आवाम ने। क्योंकि यहां पर हमेशा 2 ही उम्मीदवार रहे, एक को गिराना रहता था और दूसरे को उसके बनिस्बत गिराने के वो जीतता था, उसको जिताने की ख्वाहिश शहर के लोगों को कभी नहीं रही, मगर मजबूरी रही शहर के लोगों की कि काम करने का जो उसका वक्त आया उसने काम नहीं किया। और हर लोग आज बिरादरीवाद का नारा देकर अपनी झोली भरने का काम करते। मैं एक बात इस शहर के लोगों से पूछता हूं कि यहां हर बिरादरी के लोग बैठे हुए, हर मसलक के लोग बैठे हुए, इन लोगों ने कौन सी बिरादरी के दोनों लीडरान ने कौन सी बिरादरी के बच्चों को इन्होंने नौकरी के ऊपर लगाया, कौन से बच्चों को रोजी रोजगार का जरिया दिया, तुम ये मुझे बताओ। जब इलेक्शन आता बिरादरी के अंदर भी अलग अलग बिरादरी के अंदर लोगों को बांट दिया जाता, अलग अलग मीटिंगें ली जाती और शहर के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम शहर के अंदर किया जाता। आज एक मसले से तुम बताओ कि मैं समझता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर MPSL कंपनी आई, जो पावर सप्लाई कंपनी आज से 4 साल 6 महीना पहले मालेगांव शहर के अंदर आई, उसके लाने वाले हमारे इस शहर के माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने इस बिजली कंपनी को मालेगांव के अंदर लाया। मैं उस वक्त तो मुफ्ती इस्माइल के साथ में था, मैं उनको एक बात बोला करता था कि मुफ्ती जब वो जीत कर आए, और मैंने स्टेज से भी ये बात कहा था कि मालेगांव शहर के अंदर एक अजाब जल्द से जल्द नाजिल होने वाला है जो कैबिनेट के अंदर पास हुआ, और मालेगांव शहर के अंदर कभी भी प्राइवेट बिजली कंपनी ताबा ले लेगी। जब मुफ्ती इस्माइल साहब जीते तो मैंने इनको कहा कि इनको ताबा लेने मत, तो इनको बोल दो कि मैं इस शहर का नुमाइंदा है, मैं इन लोगों को, मैं यहां पर तुम्हारी बिजली कंपनी को यहां चलने नहीं दूंगा। अगर ये इतनी ही बात बोल देते थे तो मालेगांव शहर के अंदर MPSL कंपनी जो आज जो लोगों के खून के आंसू रुला रही है, लोगों की मेहनत की कमाई, इतना परेशानी का आलम मैं समझता हूं कि मैं 25 साल से कारपोरेटर हूं और ये 2 साल का जो वक्फा मेरा गुजरा बिगर कारपोरेटर का, तो मेरा दिन भर का वक्त तो पावर कंपनी के खिलाफ नहीं जाता। अगर ये चाहते तो ये बिजली कंपनी को ताबा लेने नहीं देते, और ये सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं दोनों। यहां पर काम करने वाले तुम, बिजली कंपनी के अंदर काम करने वाले तुम लोग देख लो, इनके लगाए हुए 10 लोग हैं, उसके लगाए हुए 20 लोग हैं। एजाज बेग के घर को एक भेजता तो दूसरा जैनू पड़ान के घर को भेजता। इस तरीके की दुश्मनी मालेगांव शहर के
गरीब आवाम से लिए जा रहे हैं, सिर्फ सियासी दुश्मनी लोगों से निकाली जा रही है। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप लोगों को मैं गवाही देता हूं कि आप लोगों ने, अल्लाह ने अगर मुझे नवाजा, टिकट दिया और आप लोगों ने मुझे चुन के दिया, तो सबसे पहले आप लोगों की मदद से मालेगांव शहर से प्राइवेट बिजली कंपनी को भगाने का काम एजाज बेग की जिम्मेदारी है। अगर नहीं करेगा 5 साल के अंदर, तो आने वाले 5 साल के बाद वोट देने की बात भी नहीं रहेगी, मांगने की बात तो रहेगी, तो तुम्हारा देने का सवाल नहीं आया। अब आते अपन कॉर्पोरेशन के अंदर, एक दूसरे के बहुत बड़े बेबाक दावे करते दोनों लीडरान, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दोनों लोगों से, और ये शहर की आवाम जो बैठी है, ये मेरे बुजुर्ग, ये मेरे भाई, ये मेरे नौजवान साथी, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताओ, इन्होंने कौन से शहर का डेवलपमेंट किया? शेख आसिफ साहब 5 साल आमदार थे, उनके वालिद मरूम शेख रशीद साहब 10 साल आमदार थे। तायरा मैडम 5 साल मेयर थी, शेख आसिफ साहब 5 साल मेयर थे, शेख रशीद साहब 2.5 साल मेयर थे। 2003 को यूडीआई एसएसएमटी स्कीम आई मालेगांव शहर के अंदर, उस स्कीम के अंदर जो भी मामला होंगे, 5% पानी पट्टी 2003 से आज तक के बढ़ के आ रही है। किसी के जबान से आज तक के नहीं खुला कि हम लोग महासभा के अंदर विषय ले और इसको खत्म कर दे, जो आज 105% पानी पट्टी मालेगांव शहर के अंदर बढ़ के आई है। मैं समझता हूँ कि नासिक जिले के अंदर सबसे ज्यादा अगर पानी पट्टी कहीं बढ़ के आती है तो है मालेगांव शहर के अंदर। मुफ्ती साहब आपको भी 10 साल दिए हमने, ये घराने को 35 से 32 साल इस घराने को शेख रशीद साहब के दिए। अगर काम किए थे तो शेख रशीद साहब के दौर जो काम हुआ था, हम उसकी आज भी बोलते कि कांग्रेस के अंदर थे शेख रशीद साहब, एक अच्छे आदमी थे, उन्होंने शहर के अंदर किसी सबको लेके चला, हर आदमी को अपने कलेजे से लगाते थे और अच्छी बातें करते थे। और अगर ये समझते होंगे उनके लाडले साहब कि हम आजाद उम्मीदवारी कर रहे हैं तो लोग इनको पसंद कर लेंगे, इनको तो सलाम करना भी तुम्हारे को गवारा नहीं करते शेख आसिफ साहब। बताओ 4 साल 8 महीने में किससे मिले यहां पर? इनको तो अगर किसी से बात नहीं करने के रहती, मैं आज तुमको बोल देता हूं, वो फोन उठाते बंद और कान में लगा देते, उधर मुंडी करके निकल जाते। आवाम से इतनी नफरत है, आज इलेक्शन का दौर चालू है, मगर वो कभी किसी के, अल्लाह का बंदा किसी के पास नहीं जाएगा, बड़े बड़े लोगों के पास जाएगा, एलर्जी है गरीबों से उसको। ये सारी चीजों को लेकर शहर के अंदर डेवलपमेंट की बात होना चाहिए। बात बोलने की बहुत है, बड़े जलसे हो गए, जब मैं हर इनके पूरी खाल उतार दूंगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किए, बहुत बुरी लगती मेरी बात मैं बोलता तो। उस दिन बोला मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर शेख शकील जानी बेग और असलम अंसारी की चिल्लाड़ हुई, ये समझते ना वहां करप्शन पैदा होता और वहां आसिफ साहब गए मुझे करप्शन तोड़ी हुई, ये बात मैं बोलता तो उनको बहुत बुरा लगती। 1200 रुपया टन कचरे का टेंडर 2400 रुपये के अंदर उन्होंने साठ गाड़ करके लिया। लतीफ अनवर साहब, शेख आसिफ साहब और 7-8 लोग गए, ऐसे 7-8 लोगों ने मिलकर दिया 1200 रुपया टन। आप बोलेंगे जबकि 1200 रुपये में पिछली कंपनी उठा रही थी। आप बताओ शहर के अंदर करप्शन नहीं पल रहा है तो क्या पल रहा है? फिर बोलते हैं या हुसैन हम न दे तो मगर दूर थे। जब कोई बात आती तो यही बात होती, इनको धमकी मिलने लग जाती। और वो एक तो उनका मुफ्ती साहब का तो बाबा आदम ही निकाला है, वो तो मिलते ही नहीं, सुबह उठते बनपट्टी के अंदर घुसते, कोई नाश्ता लेकर आता, बाहर बैठ के नाश्ता करते, फिर बनपट्टी में जाके घुस जाते। शहर का डेवलप का है? हम तो अखबारों के अंदर पढ़ते, बोले मैंने 366 करोड़ रुपए लाया, 366 करोड़ रुपए का इनको हिसाब देना है आने वाले असेंबली। अरे शहर के आवाम इनसे पूछेगी कि 366 करोड़ रुपए। अब गुरुवार नाटक के अंदर आता हूं मैं कामकाज के ताल्लुक से, या जिस इलाके के अंदर मैं तकरीर कर रहा हूं, यहाँ की ऐसी समस्या है कि यहाँ जुमा के दिन सुबह से पावर जाती तो शाम तक के पावर नहीं आती, कोई बोलने वाला नहीं। गफ्फार भाई ने मुझे बताया, ये इन्होंने मुझे अभी बताया, नहीं तो मैं यहाँ के लोगों को ले जाके उनकी ईंट के ईंट बजा दूंगा, कैसा जुमा के दिन पावर नहीं देंगे देख लेना तुम आने वाले हफ्ते से। इनके बाप को पावर देना पड़ेगी। हम
हम आवाम की मदद के लिए आए और आवाम का काम करेंगे। आज चार नंबर पर बात देखो, तीसरे माले को ऊपर जाना पड़ता, अपनी जाते जाते थक जाता, माँ बहने परेशान रहती। आज मुकुंदवाड़ी की हालत देख लो, इतना बड़ा वहां पर बनाई गई थी वहां पर इमारत, उसको तोड़ के तहस नहस कर दिया गया। कमिश्नर को मैंने 15 दिन पहले बोला कि यहाँ का काम शुरू कर, टेंडर निकाल के और चार नंबर पर भाग आना। मगर अपने फायदे की बात निर्णय करता है, गरीबों के फायदे की बात चलती नहीं। आज राशन दुकान का ऐसा मसला है कि 25 किलो राशन मैं 3 दिन पहले मैंने आपको बोलता हूँ, आप बताता, एक लड़का मेरे पास आया कि मेरे को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल राशन वाला देता। कोई बहन है अपनी इधर ही गई राशन दुकान है उसकी, बोले तो मतलब फिर बोले वो चलो मैंने लेकर के एफडीओ से बात करा, मतलब इसमें कितना है देख। एफडीओ ने बोला बोले चेक करके बोला बोले 25 किलो। मैंने लड़के को बोला मतलब लाइसेंस कार्ड बोले और चल नीचे आदित एफडीओ, बोले क्या हुआ, मतलब 3 किलो गेहूं और 2 किलो ये चावल देते और उसके बाद ही बोलते। इतफाक से मैं बाहर निकला तो वो एफडीओ ऑफिस के एक आदमी ने यशोद ने आवाज दिया, बोले साहब किधर आए थे। मैं बोला अरे ऐसी बात है, 25 किलो वाला इसको अनाज देता और ये सिर्फ 3 किलो और 2 किलो से 5 किलो इसको देता। सोचते इतफाक से वो भाई हमारी माँ बहन जो भी यहाँ पर राशन चलाती हूँ खड़ी थी, उसने उसको बुलाया, बोले तो तुम्हारा बोला क्या हुआ, मतलब तुम इसको 3 किलो 5 किलो अनाज देते, 25 किलो राशन का अनाज आता। तो उसने क्या बोले जान दो, बोले भैया मतलब नहीं, अब मैं अर्जी ही दूंगा और इसका बराबर इसका काम करूंगा, बाद में सब बात होगी, बात कुछ होगी नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बताता कि आप लोग जब राशन दुकान के ऊपर राशन अनाज लाने के जाएंगे, आप उससे स्लिप मांगो, स्लिप के अंदर आपको मालूम पड़ेगा आपका कितना अनाज मिलने वाला है, 2 किलो 5 किलो 10 किलो, क्योंकि सारे करप्शन करने वाले शेख आसिफ साहब के लोग एक पोस्ट बनाई, शेख आसिफ साहब के सब चोरों की भर्ती उनके पास देख लो। 80% तुम्हारे बच्चों को रोजगार नहीं दिया इन्होंने, तुम्हारे बच्चों को इन्होंने शराबी बनाया, तुम्हारे बच्चों को इन्होंने चोर बनाया, तुम्हारे बच्चों को कुत्ता गोली खाने वाला बनाया इन्होंने। इतना बुरा लगेगा कि कभी चमचे कुत्ते के साथ मिलाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, देख लो तुमने, क्योंकि मैं सच बोलता ना। इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया, 2-500 रुपये दिया लोगों को और किसी को नौकरी नहीं दिया आज तक के, किसी के पेट नहीं भरा गरीब का। तो ये मैं आज शहर के मुस्तकबिल के लिए आपको आवाज दे रहा हूं कि आने वाला इलेक्शन 2-500 रुपये का इलेक्शन तुम लोग लेकर अगर आपके मुस्तकबिल खराब करेंगे तो आपके बच्चों का यह मुस्तकबिल खराब होगा। इनके पास बहुत पैसा है, अभी से बोल रहे हम 10 करोड़ लगाएंगे, ये 20 करोड़ लगाएंगे, है पैसा। मुफ्ती साहब के पास भी बहुत पैसा है और उन्होंने पीछे फतवा दिया था, एक कम से कम अपन अगर कोई चीज को अमल नहीं करेंगे तो उनकी बात पे अमल करना, उन्होंने पीछे फतवा दिया था ले लो और काम बता दो। तो ये अमल आप लोगों को दोनों से करना है, क्या करना है आप लोगों को, दोनों लोगों के ऊपर यही अमल करना है कि ले लेने का और इनको काम बताने का। तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल 2-500 रुपये की ओर से तुम खराब मत करो। आने वाला वक्त देखो माले वक्त से कांग्रेस पार्टी तुम्हारे खाने पे खाना रख के चलेगी। मैं सुबह 9-9:30 बजे घर से निकलता तो 2 बजे तक के काम करता, कि ऐसा नहीं कि आज इलेक्शन है तो मैं काम कर रहा, मेरी पूरी 5 साल की रोटिंग है, 10-10:30 आखिरी बजता, बाकी मैं 1:30-2 बजे ही घर जाता और लोगों का काम करता। शहर के अंदर काम एक नहीं अनेक काम है, आज वक्त तो नहीं है, वक्त तो 5 मिनट ही बचा है, मैं 5 मिनट में अपनी तकरीर को खत्म करूंगा और मैं ये लोगों को आपको बोलने के लिए खड़ा हुआ है कि अभी जो भी है, आज एक नाला बनाया गया था कोलूर मस्जिद से लग के, इसके लिए नाले का काम हुआ हो रहा था कि भाई आजाद नगर, गांधी नगर, अयूब नगर, ये एरिया के अंदर जो पानी भर जाता उसके लिए वो नाला बनाया गया था। इसके अंदर भी इतना बड़ा करप्शन हुआ नाले के अंदर, 2 करोड़ 39 लाख का टेंडर निकला नाले का, 2 करोड़ 39 लाख रुपए का नाले का टेंडर निकला, नाला बना वहां से वहां तक के अथरपिया मस्जिद तक के और उसको आज तक के जोड़ा नहीं गया। अगर वो जोड़ देते तो इधर की जो तकलीफ है ये दूर होंगी। उनको लोगों की तकलीफ तो से कोई लेना देना नहीं, उनको करप्शन से लेना देना, उन्होंने उनका काम कर दिए, अब लोग गए भाड़ में, ऐसा हिसाब है इनका। बाकी आवाम इतनी चालाक हो चुकी, अभी मैं बोलता हूँ अगले महीने के अंदर मैं वो सरकारी दवाखाने से लेकर तो अहमदिया मस्जिद तक के सीमेंट रोड का काम शुरू कर रहा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, मतलब लेवल हो जाएगा। खलील शहर के साइजिंग के रोड का भी मैं काम शुरू करने आ जाएगा, छोटे कब्रस्तान से लेकर 3 गली छोटे कब्रस्तान से लेकर आजाद नगर पुलिस, ऐसे मैंने 10 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट से लाया था उसका आज परमा का काम हो गया। कलेक्टर साहब से कल 2 दिन में फाइल आएगी, 8-10 दिन में टेंडर निकल जाएगा, मैं अगले महीने के अंदर काम की शुरुआत करूंगा। हम कुछ नहीं होने के बाद इतना काम करते,
तो इनसे अवाम ने पूछना चाहिए कि ये शहर के अंदर का तुमने लाल किला बना के दिया, सिर्फ और सिर्फ दोनों क्या करते हैं, एक मुफ्ती इस्माइल को बोलता और मुफ्ती इस्माइल शेख आसिफ को बोलता। अरे भैया ये क्या सरकारी नौकरी थी क्या, तुम अनुकंपा पे लग गए आप घर जाओ बहुत हो गया, सरकारी नौकरी थोड़ी थी ये, बाप बेटा पोतरा सब आएंगे तुम सियासत के अंदर, ये अनुकंपा नहीं है, ये अवाम का कंपा, ये अवाम आप तुमको शहर का रास्ता दिखाएंगे। आने वाला वक्त आपके हाथ में होगा, आपका मुस्तकबिल तय करेगा कि आप लोग किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। अभी दो दिन पहले मुफ्ती इस्माइल साहब उमरा जाते जाते झूठ बोल के गए, संगम देर गए बाला साहब थोरात के पास, हाथ पाँव पड़े, उनके दो चमचे हमारे हैं ताई के भाई लोग, यहाँ पर नवे भाई पैदा हो गए, वो आज राखी बांधने आई होगी ताई उनके यहाँ पर, उनको बहुत फिक्र रहती राष्ट्रवादी के अंदर है, बाकी कांग्रेस की बहुत फिक्र उनको, तुम लड़ो कभी बोलते हो ताई के लड़के को बोलते हैं गौरव को लड़ाओ, कभी बोलते सूरज को लड़ाओ, कभी बोलते चांद को लड़ाओ, यही धंधे चल रहे उनके, इनके बाप का राज नहीं है, मैं भी एजाज पे गए, हमको अगर जबरदस्ती कोई नाम दिया ना, कोई जबरदस्ती नाम दिया ना, हम भी बर्दाश्त उर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी भी ईट सेट बजाने की ताकत हम रखते, वक्तों की तंगी की वजह से आप लोगों का जो काम रहेगा मेरी ऑफिस के ऊपर आप आओ, पावर का मसला रहे कोई भी मसला रहे आप लोग आओ, मैं आपके साना बसाना काम करने के लिए तैयार है, वक्त की कमी की वजह से कोई जलसे के अंदर जरूर आपको आगे बोलूंगा। शुक्रिया, जय नेतलाम।